हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, ऐसे में जो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके 10th 12th की मार्कशीट जोर से होगी। आप बहुत बार क्या होता है कि कभी आप किसी को शेयर करना है या फिर आपको डाउनलोड करना है, तो आप जो उस डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक करते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो फोटो क्लियर भी नहीं आती है एंड आप जो उसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर देते हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है वो वैलिड नहीं होता, फोटो क्लियर नहीं होती और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आपको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपके लिए एक बहुत अच्छी सर्विस ले है, जिसकी वजह से जो आप चुटकियों में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो है, डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप पे ही एंड आप जो उसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप ये सब चीजें कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस के बारे में, एक्चुअली ये काम कैसे करती है। तो आप लोगों ने मीटी का नाम तो सुना ही होगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने जो एक सर्विस लॉन्च करी, आप कह सकते हो एक तरीके का व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसकी मदद से जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविन रिलेटेड सर्विस भी जो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। हम चलते हमारी फोन की तरफ, कैसे जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस चैटबॉट। सबसे पहले गाइस, आपको जो है इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जो है सेव कर लेना है। ये जो है ऑफिशियल नंबर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आफ्टर दैट, जैसे आप जो है व्हाट्सएप पे आएंगे तो आप देख सकते हो कि माई जीओवी, ये जो है यहाँ पे वेरीफाइड है, ग्रीन टिक आ रखा है इधर एंड आप नीचे की तरफ देखेंगे 100% गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आपको इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट कर सकते हो कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नमस्ते, तो मेरे को रिप्लाई में ये आया है नमस्ते, दिस इज अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है अपनी वैक्सीनेशन सर्विस एक्सेस करनी है या फिर आपको डॉक्यूमेंट एक्सेस करने हैं, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सेट्रा। तो अभी मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ डिजी लॉकर सर्विस पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आ चुका है वेलकम टू डिजी लॉकर सर्विस, डाउनलोड एंड इशू योर डॉक्यूमेंट। मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस। फिर ये कह रहे हैं कि अपना जो है आधार कार्ड नंबर आपको इधर एंटर करना पड़ेगा, तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर जो है एंटर कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने जो है यहाँ पे अपना OTP भी डाल दिया है। ये जो है आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो आधार कार्ड से लिंक्ड है। आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेरे को फिर से ऑप्शन आ गया है कि क्या डाउनलोड करना है, तो मैं जो है यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपको जो है अपनी मार्कशीट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको कमांड दे सकते हो। जैसे मार्कशीट के लिए आप 1 दोगे 10th की, 12th के लिए आप 2 लिखेंगे एंड पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के लिए 3 लिखेंगे। तो मैं आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, विद इन अ सेकंड आपको जो आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड आधार कार्ड मिल जाएगा, जो आप जो हर जगह इसको चला सकते हो। यानी एक तरीके से ये भी ऑथेंटिक आधार कार्ड होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को बताओगे डिजी लॉकर के अंदर आप वेरीफाइड करते हो। तो आप देख सकते हो ये मैंने ब्लर कर रखा अपना आधार कार्ड। नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट अनदर फर्दर ऑप्शन, अगर आपको और कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है या फिर आपको मेन मेन्यू पे जाना है, तो आप वो भी चीजें यहीं से ही कर सकते हो क्लिक करके। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जो है अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो आपके सामने मेन्यू आ चुका है। तो फिलहाल मैं जो अपनी 10th की मार्कशीट डाउनलोड कर देता हूँ 1 टाइप करके। आप देख सकते हैं कि इधर जो है मेरे को एक और मैसेज आया कि आपको जो है अलाउ कर रहे हैं हम आपका डॉक्यूमेंट, तो मैं जो इसको ओके कर देता हूँ। एंड ये रही हमारी 10th की मार्कशीट, आप देख सकते हो ये PDF ही फॉर्म में आ चुकी है एकदम क्लियर क्लैरिटी में, जो डिजी लॉकर वेरीफाइड होगी। मैं फिलहाल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो CBSE आ चुका है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ इसको, मैंने व्लॉग बना रखा है आप देख सकते हो जाके बहुत पहले का। एंड नीचे आपको अगर फिर से मेन मेन्यू पे जाना है, तो आप मेन मेन्यू पे क्लिक करके जो है वापस से उसी मेन्यू पे आ सकते हो जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। नीचे आपको अगर कोविन वाली सर्विस देखनी है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। मैं जो यहाँ पे कोविन सर्विस लिख देता हूँ एंड आप देख सकते हो मेरे पास रिवर्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स या फिर बहुत सारी सर्विस जो है एक्सेस कर सकते हो विद दिस चैटबॉट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे जो आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड करना है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। बहुत बार क्या होता है, अगर आपके स्कूल में या फिर आपके किसी फ्रेंड ने मंगाया, आपके फैमिली मेंबर ने मंगाया, तो आप जो उसको शेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं किसी भी XYZ पर्सन को अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। एंड ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। टाइम था कि हम व्हाट्सएप सिर्फ सिर्फ चैटिंग के लिए यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो है बहुत से बिजनेसेस एंड अब ये सारी चीजें भी हम कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आप लोग बताना कैसे लगी सर्विस गवर्नमेंट की। इतना जरूरी में अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियोस रोजाना आप चैनल पर लाते रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो, तब के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।